अल्लाह दोस्तों मेरा नाम सैदौन है आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं मैं अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बाकायदा एक बिगिनर्स ट्रेडिंग कोर्स लेके आया हूँ जिसकी ये पहली वीडियो है कि जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा ब्रोकर कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपना शॉट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट आपने ओपन करना है एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया हूँ कि जहाँ पर ना सिर्फ आप क्रिप्टो मार्केट्स में शॉट टर्म ट्रेडिंग कर सकोगे बल्कि फ़ारेक स्टॉक्स कमोडिटी मार्केट्स और इंडिविजुअल स्टॉक स्टॉक्स में भी काम कर सकोगे बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है थोड़ी देर में आपको इसके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाऊंगा मैं वहाँ जाके जा आपको रजिस्टर कैसे करने आपको ये तरीका बताऊंगा फंडिंग विड्रॉल कैसे होगी पूरी सीरीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा यानी शायद कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि जो आप कहो कि ये अगर ऑन भाई बता देते तो बेहतर हो जाता ईच एंड एवरी आई विल ट्राई एंड कवर यानी कि ये भी मैं चीज़ कवर करूँगा कि जब आपने ब्रोकर पे अकाउंट ओपन कर लिया है तो शॉर्ट टर्म लिस्ट कैसे बनानी है किन मार्केट्स के अंदर ट्रेड करनी चाहिए फॉरेक्स मार्केट के कौन से एसेट्स हैं जिनमें काम करना चाहिए कौन सी क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करनी चाहिए कौन से स्टॉक इंडस्ट्रीज में काम करना चाहिए फिर अगर फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूरो यूवर्सिटी में आपने ट्रेड करना है तो फिर उसकी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कैसे करनी मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है लेवरेज क्या होती है लेवरेज सेट कैसे करनी है तो कोशिश पूरी करूंगा कि ये जो अब ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए मैं लेके आऊँ और ये लिटरली एक रिवॉर्ड है मेरी तरफ से आपके लिए जो लोग मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट करते आए हैं मुझे फॉलो करते आए हैं तो हक बनता है आपका कि एक बिगनर लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए लेके आऊँ और उस बिग्नर लेवल के ट्रेडिंग कोर्स को करने के बाद अगर आपको लगता है कि यह काम आपके लिए है तो फिर आप मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में खुद को एनरोल करके प्रोफेशनल लेवल के ऊपर करियर ट्रेडर बनने की कोशिश कर सकते हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप स्क्रीन शेयर में करने लगाऊ स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन से ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करने और किस तरह से अपना अकाउंट ओपन करना है एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन पे क्लिक कीजिएगा जी अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अच्छा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक या टिकटॉक पे देख रहे हो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक दिया होगा आपने जो अपना अकाउंट रजिस्टर करना है वो उस लिंक के जरिए रजिस्टर करना है और वो आगे चल के मैं बताता हूँ कि लिंक के जरिए अगर अपना अकाउंट आप रजिस्टर करोगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा तो ये जनाब लिंक है इसको यहाँ से हम लिंक को कॉपी कर लेते हैं और नई विंडो के अंदर लिंक को पोस्ट करेंगे हमारे सामने रजिस्ट्रेशन पेज हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का ओपन हो जाएगा एफ एक्स प्रो नाम है हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का कि जिसका रजिस्ट्रेशन पेज थोड़ी देर में लोड हो जाएगा और अपनी स्क्रीन पे आप लोग अब देख रहे हैं एफ एक्स प्रो वन ऑफ द बेस्ट सिर्फ महज मैं नहीं कह रहा बल्कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज से अपनी रिसर्च आप खुद कर लो तो बेस्ट ब्रोकर है ये पूरी दुनिया में बड़ा रिलायबल बड़ा ऑथेंटिक ब्रोकर है इनका फंडिंग विदड्रॉल अगर आप पाकिस्तान से मेरा कॉन्टेंट देख के पाकिस्तान से अगर अपने अकाउंट रजिस्टर करना है जैस कैश के जरिए यहां पे फंडिंग विद्रॉल हो सकती है तो आर यूर नो मोर डिपेंडेंट ऑन क्रिप्टोज या फिर और किसी यू नो पेमेंट चैनल के या ई e वॉलेट के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने आ गया कंट्री कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो भी आपकी country है वो यहां पे आप mention कर दोगे ई एड्रेस जिस ई मेल आपने अपना अकाउंट बनाना है वो ई आपने यहां देना है और अपनी मर्जी का पासवर्ड यहां चूज करके रजिस्टर के टैप पर आपने क्लिक कर देना है प्रोसेस बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेट्री है बड़ा आसान है इसमें दो तीन चीजें आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जिनको आपने कंसिडर करना है जो इशूज आपको अकाउंट ओपनिंग के वक्त आ सकते हैं कि जिनका हल अभी आगे चल के मजीद में आप आपको बताऊंगा तो यहां पे हम ट्राई करते हैं सबसे पहले एक ईमेल एड्रेस देते हैं चले ईमेल सेक्शन के अंदर जिस भी ईमेल के ऊपर आपने आपने अपना अकाउंट रजिस्टर आप करना चाहते हो वो ईमेल एड्रेस यहां दे देना है उसके बाद पासवर्ड पे जब आप आओगे तो ये याद रखना है पासवर्ड में आपका क्या होना चाहिए के बल्कि जब आप पासवर्ड टाइप करना स्टार्ट करोगे ना तो आपके राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें आपको पासवर्ड सेट करने की इंस्ट्रक्शन वो दे देगा कि एटलीस्ट एक, एक करेक्टर जो है आपका अपर केस होना चाहिए एक आपका लोअर केस होना चाहिए और टोटल आठ करेक्टर्स होने चाहिए और एक डिजिट या नंबर भी आपके पास होना चाहिए पासवर्ड के अंदर चैनजी पासवर्ड मैंने सेट कर दिया रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके अब नेक्स्ट विंडो पे हम जाके देखेंगे कि नेक्स्ट विंडो पे कौन सी इनफॉर्मेशन हमसे ये मांगेगा दो तीन चीजें जो मैं आपको बता रहा था कि जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो ये कि देखें यहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स आपने डालनी है नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपके आई कार्ड के ऊपर नाम है वो आपने डालना है डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे देंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेवन कंटिन्यू आप करोगे तो अगले दो तीन पेजेस के ऊपर जो इफॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा वो बड़ी बेसिक इफॉर्मेशन है दो प्राइमरी चीजें वो आपसे पूछेगा एक तो ये कि एक छोटा सा क्वेश्चन दो तीन सवाल आपसे पूछ के इस बात को असेस करने की एफ एक्स प्रो का सिस्टम कोशिश करेगा कि क्या ट्रेडिंग मार्केट्स में नो हाउ आपको थोड़ी बहुत है ट्रेडिंग आप पहले करते रहे बिकॉज जो भी आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपको वो लेवरेज रेकमेंड करेगा और आने वाले अगले लेक्चर्स के अंदर आपको मैं बता दूंगा कि लेवरेज का बेसिकली मतलब क्या है और लेवरेज की एडजस्टमेंट आपने मैनुअली कैसे करनी है तो जो भी लेवरेज यू नो जो भी आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बाय डिफ़ॉल्टेफेक्ट प्रो आपको एक लेवरेज ऑफ़र करेगा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि नेक्स्ट पेजेस के ऊपर जब आप जाओगे तो आपसे प्रूफ ऑफ आईडी मांगेगा अब ये तो आप किसी किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में अगर आप काम करते रहे हो तो वो भी आपसे आपका आईडी कार्ड आप अपलोड करते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ ऑफ आईडी अपलोड करते हो तो एफ प्रूफ भी इसी तरीके से आपसे कहेगा कि प्रूफ ऑफ आई डी कि जिसमें या तो आप पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड कर सकते हो या अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक अपलोड कर सकते हो लेकिन टेक्निकल पॉइंट इसमें यह है कि नेक्स्ट विंडोज़ के ऊपर जब आप जाओगे और जाके वहाँ पर आपसे वो पासपोर्ट या आई कार्ड की पिक्चर्स अपलोड करने का कहेगा तो आपने अपनी फ़ोन की गैलरी से या लैपटॉप की गैलरी से आपने अपलोड नहीं करनी बल्कि लाइव पिक्चर लेनी है वो कैसे लेनी है इसका तरीका यह है कि जब आप नेक्स्ट विंडोज uh, के ऊपर आप जाओगे यहां पे बल्कि हम कर भी लेते हैं इस पर हम यहाँ लेट्स सपोज हम नाम दे दिया हमने और डेट ऑफ बर्थ लेट्स हमने कर दिया ये चले आई थिंक आर गुड और uh, चलो जी अच्छा ये क्या मुझे कह रहे चलें जी सेवन कंटिन्यू ई मेल अभी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने देनी है अभी हूँ इसको अब हम सेवन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट विंडो के ऊपर चलते हैं नेशनलिटी पाकिस्तान अब यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपने बताना है कि इफ़ यू हैव मोर देन वन नेशनलिटी और आई यू यू सिटीजन सो आई हैव मोर देन वन नेशनैलिटी नहीं अगर आप के पास सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो आपने दोनों बॉक्सेस को कोटेक करना है अगर आप इन यू नो इफ यू यू हैव मोर देन वन या अगर आप यू एस सिटीजन हैं तो फिर आपने इसको टेक करना है सेवन कंटिन्यू करके नेक्स्ट चलते हैं हाँ जी अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपसे मांग रहे हैं आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है एम्प्लॉय एम्प्लॉयड है जो भी आपका स्टेटस है आप कर लें उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी है आपकी इंडस्ट्री लेट सपोज हम यहाँ पर क्रिएटिव मीडिया कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट पोजिशन आप कर दें जो भी आपकी है सेवन कंटिन्यू करके आगे मूव करें अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं आपकी एनुअल इनकम कितनी है यानी आपकी यू नो फिफ्टी थाउजेंड से वन हंड्रेड थाउजें के दरियां है लेट से नेटवर्थ आपकी कितनी है वन मिलियन डॉलर्स है फाइव मिलियन डॉलर्स है हंड्रेड टू टू फिफ्टी है सोर्स ऑफ वेल्थ आपकी क्या है एम्प्लॉयमेंट बिजनेस ये सब चीज़ें सेविंग्स हैं लेट से एम्प्लॉयमेंट बिजनेस प्रोसी प्रोसीड्स हैं अच्छा हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू फंड ये सिर्फ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको आपने करना है अदरवाइज़ कोई नहीं है इनका टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड सेविंग कंटिन्यू करें आगे चलते हैं अब यहाँ पे अगेन ये योर ट्रेडिंग नॉलेज अब ये वो चीज़ है जिसका मैं आपको बता रहा था कि चंद सवाल है वो आपसे करके आपके ट्रेडिंग मार्केट्स में जो तजुर्बा है उसको असेस करने की कोशिश करेगा सो so दैट उसके हिसाब से आपको वो लेवरेज ऑफर करेगा कि इस तरह से हम यू you नो know, आपको लेवरेज दे सकते हैं ड्यू हैव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अच्छा जी चलें ये पहला सवाल है ट्रेडिंग सी एफ्टी इज़ सिंपल द मोर लेवरेज यू अप्लाई टू योर अकाउंट द लेस मनी यू विल लूज ओवर टाइम फॉल्स सेवन कंटिन्यू ऑब्वियसली अच्छा जी बेस्ड ऑन योर रिस्पॉस वी बिलीव दैट यूर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ प्रोफेशनल अकाउंट अब वो एक सवाल उसने मेरे से पूछा उस सवाल का मैंने सही जवाब दे दिया तो उसने कहा जी आपको हम प्रोफेशनल अकाउंट ऑफर कर सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है अच्छा जी अपलाई फॉर प्रोफेशनल अकाउंट टू कंप्लीट असेसमेंट प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है जी आई हैव ट्रेडेड अ टोटल वॉल्यूम ऑफ पॉइंट फाइव लॉट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट टेन ट्रेड्स पर क्वार्टर ओवर द पास्ट ईयर आई हैव इन आई हैव एन इन्वेस्टबल पोर्टफोलियो ऑफ 5 लाख डॉलर आई है वर्क इन फाइनेंशियल वन ईयर अच्छा कभी भी आपसे वो ये पूछना कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के, के अंदर आपने काम किया है तो कोशिश करें इसको ना ही करें बिकॉज वो फिर आपको कहता है अच्छा मुझे प्रूफ करो कि कर तुमने फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काम किया है मुझे कोई आप एक्सपीरियंस लेटर दो या इस तरह की कोई चीज़ दो तो लेट सपोज फ्रीकवेंसी टेन ट्रेड्स ये कर देते हैं हम इसको और टू कह रहे हैं कि जी आप करें और इसको हम चलें अभी मेरे पास खैर मेरे पास तो ऑबसली सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो आई कैन क्लिक दैट बट एनी अगर आप आपने ये करना है तो आई हैव एन इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन पाँच लाख डॉलर इस तरह से आप आगे कर लो बल्कि हम इसको कर देते हैं ठीक है चले सेवन कंटिन्यू करें आप अच्छा जी उसके बाद वो कह रहे हैं कि ट्रेडिंग नॉलेज ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका क्या है जी हम करते हैं यहाँ पे हेज फंड बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी ब्रोकर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हाँ 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 ऑल ऑफ द ब्लोक ये हमने कर दिया और आ, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है जी इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया सेवन कंटिन्यू नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो आएगी उसको भी देखते हैं अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के अभी आपसे कह रहे हैं कि वॉलेट सेटिंग आप करें यू के अंदर वॉलेट हम बना लेते हैं सेवन कंटिन्यू कर लिया हमने इसको <coughs> यानी आपका जो जैसे आप क्रिप्टो वॉलेट आपका होता है इसी तरीके से एफ एक्स प्रो के ऊपर आपका एक वॉलेट होगा कि जिसको किस करेंसी के अंदर आपने बनाना है ये यू आर रेडी टू स्टार्ट हम पंद्रह हज़ार डॉलर्स तक फंडिंग कर सकते हैं हम और इसके बाद अच्छा अब क्या है कि आपका जो अकाउंट है ये आपका आपके सामने आपका अकाउंट बन गया ठीक है थीके? और जिस ई मेल एड्रेस के ऊपर जिस ई मेल एड्रेस के ऊपर हमने ये अकाउंट रजिस्टर किया उस ई मेल के ऊपर हमारे लॉग इन क्रीडेंशियल्स जा चुके हैं मेटा फोर मेटा फाइव के लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूजर नेम पासवर्ड अकाउंट नंबर सब कुछ वहां पे जा चुका है तो हमने बस मेटा डाउनलोड करने और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेटा सेटअप कैसे करना है यानी कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आपने कैसे सेटअप करना है मोबाइल और वेब दोनों पे और आपने एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे करनी है लेकिन ये वाली वीडियो के अंदर महज अकाउंट आपने रजिस्टर कैसे करना है अकाउंट बनाया कैसे है वो चीज़ मैंने आपको बताई है अच्छा अब ये अकाउंट आपका बन गया आप सेटिंग्स के अंदर आपने जाना है और सेटिंग्स में जाके अपने अकाउंट पे आपने इसको ये देखें अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप जाएंगे और यहां पे वेरीफाई योर आइडेंटिटी अभी आपसे कह रहा है आपका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आईडी कार्ड मेक अ सेल्फी अब दो चीजें अब यह वाला प्रोसेस जो है ना आइडियली मैं आपको बताऊंगा कि आप उस पर लो मोबाइल फोन पे करो यानी ये अकाउंट ओपनिंग हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर अच्छा ये वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारी कोई भी यूट्यूब की वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है लिंक को इस्तेमाल करके आपने लैपटॉप पीसी के ऊपर या मोबाइल के ब्राउजर में अपने अकाउंट को बनाना है रजिस्टर करना है क्यों रजिस्टर करना उसका फायदा आपको क्या होगा दो फायदे होंगे पहला फायदा तो ये होगा कि अगर आप हमारे प्रफर्ड ब्रोकर के रेफरल लिंक के से आपने अकाउंट रजिस्टर किया है और आप हमारे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का अभी तक हिस्सा नहीं हो और हमारे प्रफर्ड ब्रोकर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई इंक्वायरी कोई इशू आपको आता है तो हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे आप हमसे राबता करके हम आपके बिहाफ पे आपके इशू को रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर सकते हैं एक फायदा ये दूसरा फायदा ये होगा कि जब भी आप प्लान करोगे कि मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे आपने मेरा कोर्स करना है यू नो कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो सालाना ईयरली मेंबरशिप पे आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर के रेफरल लिंक के थ्रू आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है तो आपने ये काम कर लिया ठीक है तो हमारी YouTube की Facebook किसी भी और, और अगर आप यू नो ये दूसरे TikTok के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ भी डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक दिया होगा प्रेफर्ड ब्रोकर का आप टिकटॉक के ऊपर लिंक क्लिकेबल नहीं होता लेकिन लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको कॉपी करके ब्राउजर पे ओपन करोगे तो वो फिर लिंक ओपन हो जाएगा ठीक है तो आपने अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया इसके बाद आप क्या करो कि मोबाइल के अंदर एफ एक्स प्रो की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोडिंग आपने करनी है ना वो मोबाइल में एफ एक्स प्रो की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जो यूजर नेम पासवर्ड आपको जो जिस ईमेल मेल और पासवर्ड से आपने यहां पे वेब के ऊपर अपनी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो अकाउंट रजिस्टर किया है उसी उन्हीं क्रेडेंशियल से ऐप लॉग इन करके ऐप के अंदर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो बिकॉज होगा क्या डॉक्यूमेंट्स जब आपने अपलोड करने है ना तो जैसे वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट की कॉपी तो पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जो है ये आपने फोन की गैलरी से नहीं उठानी बल्कि लाइव पिक्चर लेनी है इसकी आप ठीक है वेरीफाइड आइडेंटिटी के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो लेट सपोज मैं पासपोर्ट सेलेक्ट करता हूं तो वो कहेगा अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप कंटिन्यू फ्रॉम फॉर्म कंटिन्यू फ्रॉम फोन यानी फोन से जब आप करोगे तो वहीं पर लाइव उसकी पिक्चर आप लोगे एक चीज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं वो क्या कि समटाइम्स क्या होता है कि जब आप अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं बाय द वे गैलरी से भी उठा के आप एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लो ट्राई कर लो अगर नहीं होता तो फिर लाइव पिक्चर का ऑप्शन होगा वो ले लो बिकॉज सम केसेस के अंदर मुझे ये फीडबैक मिला है कि जी गैलरी से जब हम अपलोड करते हैं तो हमारे यहाँ नहीं अपलोड होता तो ये दोनों चीज़ें ट्राई कर लो हो सकता है आने वाले दिनों में जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो गैलरी से अपलोडिंग जो है वो भी सही बैठ जाए अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सम टाइम जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो एफएक्स प्रो के पास तो ये लोग आपको कहते हैं कि आ, हमें आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट हमें अपना सेंड करें बिकॉज आपका नाम काफी कॉमन है और ये सौ में से एक बंदे के साथ होता है कि आपका नाम काफी कॉमन है तो दैट्स वाई वी वॉन्ट टू मेक श्योर के यू नो आप एक बड़े क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रोकर बड़ा रेगुलेटेड ब्रोकर है तो आप बड़े सही जो है वो बंदे हो करेक्टर सर्टिफिकेट तब आपने ये करना है कि हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट या ईमेल सपोर्ट के ऊपर आपने हमसे राबा करना है अब अगर आप हमारे रेफरल लिंक के तो आपने एफ एक्सप्रो पर अकाउंट ओपन किया हुआ है तो होगा क्या कि वेन वी विल टॉक ऑन योर तो ये जो उनकी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि करेक्टर सर्टिफिकेट आप भेजें, ये रिक्वेस्ट वो विड्रॉ करके आपके अकाउंट को अप्रूव कर देंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे मेंबर्स जो ग्रुप के मेंबर्स हैं जिन जिस भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स से ये करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं व्हेन वी यू नो टॉक ऑन देयर बिहाफ और जब हम बताते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी का बंदा है तो फिर वो उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते ये एक डिटेल आज के इस टुटोरियल में मैंने आपको बता दिया कि आपने हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर पर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है चले जी आज के इस टूटोरियल में मैंने स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन शेयर करके आपको बता दिया कि आपने हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर के टर्मिनल पर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से रजिस्टर करना है और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अब जब आपने अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है तो इसके बैक एंड टर्मिनल को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है फंडिंग विड्रॉल आपने कैसे करनी है और फिर आने वाली मजीद वीडियोस में आपने अपना मेटा ट्रेडर फोर और फाइव टर्मिनल कैसे मोबाइल पे और वेब पे सेटअप करके ट्रेड आप एक्चुअल कैसे करोगे और डिफरेंट मार्केट्स के अंदर जो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉशलिस्ट का हिस्सा है उनमें काम किस तरीके से करोगे आई होप कि ये सीरीज पूरी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे और एटलीस्ट इस सीरीज की आने वाली सारी वीडियोस को देखने के बाद उस जगह पे चले जाओगे कि जहां पे मार्केट की आपको एक बेसिक समझ और सेंस आ जाएगी और आप इस बात का फैसला कर पाओगे कि क्या वाकई ये काम आपके लिए है या नहीं है और अगर ये काम आपके लिए है तो फिर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करके अपने बिगनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पर लेके जा सकोगे मैं शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा अपना ख्याल रखें मुझे इजाजत अल्लाह हाफिज़